हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनू चौरसिया, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं वाराणसी के प्रसिद्ध स्थान सारनाथ। सारनाथ जहाँ पर भगवान बुद्ध का तपस्थल है, जहाँ से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपदेश पहला उपदेश दिया था। और इसमें हम चलते हैं सारंगनाथ मंदिर, जिसको जीजा साले के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये स्थान वाराणसी से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और काशी रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको मुगल सराय के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और बनारस का एयरपोर्ट है वो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए सारंगनाथ मंदिर। और इससे जुड़ी हुई कथा हम आपको तो हम इस समय आ चुके हैं सारंगनाथ मंदिर में। देख सकते हैं ये सारंगनाथ का मुख्य द्वार है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सारंग ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ हैं, वो इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ ही यहाँ पे विराजमान है। इस मंदिर में सारंगनाथ महादेव एवं विश्वनाथ जी के साथ एक साथ ही दोनों लोगों की एक साथ ही पूजा होती है। एवं इस मंदिर में एक ही जगह पे दो शिवलिंग विराजमान हैं। आइए चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। सो दोस्तों, हमारे पीछे इस समय मंदिर के पीछे में है, जो आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे कुंड है। और कुंड में हाथ पैर धोने के पश्चात हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं दर्शन करने के लिए। और आपको सबको बता दें, धर्म की नगरी काशी, इसका इतिहास कितना पुराना है शायद ये तो आप सबको सभी को मालूम होगा। परंतु भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में यहाँ पर अपने शाले के साथ विराजमान है, जो हम आपको अगर ये नहीं मालूम है तो आपको हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए आइए दर्शन करने चलते हैं ऊपर। भगवान शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन भगवान सारंगनाथ का, सारंग महादेव का भी एक विशेष स्थान है। तो आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए भगवान सारंगनाथ का। सब देख सकते हैं यहाँ पे दो रूप में विराजमान है, एक विश्वेश्वर रूप में है, एक सारंगनाथ जो ऋषि है। इसका इतिहास हम आपको दर्शन करने के पश्चात बताते हैं। दोस्तों, दर्शन करने के पश्चात देख सकते हैं हनुमान जी विराजमान है। मंदिर के दाईं तरफ हनुमान जी विराजमान है एवं बाईं तरफ और कई देवी देवताओं की मूर्ति, जिसमें वैजनाथ जी हैं और श्याम कार्तिक जी हैं और माता पार्वती जी हैं। सभी चलते हैं मंदिर के दाईं तरफ, देखते हैं, दर्शन करते हैं। चलो, मंदिर के बाईं ओर और देखते हैं मंदिर के बाईं ओर में। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं मंदिर की बाईं ओर श्री राधा कृष्ण जी हैं और माँ सीता, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के साथ हैं। और उसके बगल में हैं श्री हरि, जो माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। तो दोस्तों, यहाँ की एक प्रसिद्ध मान्यता है, जो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और सारंगनाथ के दर्शन करने के, सावन मास में सारंगनाथ के दर्शन करने एवं भगवान शिव काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बराबर पुण्य मिलता है। और जैसे कि ये मंदिर का शिखर है, और आइए दोस्तों, इस समय हम मंदिर की ओर की परिक्रमा और पूरी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, हम मंदिर के बाहरी परिसर में घूमते हैं और इस मंदिर की और जानकारी हम आपको बता देते हैं कि पूर्वजों से मिली जानकारी के अनुसार, जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से
किया जा रहा था, हो गया था, तो उनके भाई शारंग ऋषि थे वो मौजूद नहीं थे और वो तपस्या करने के लिए कहीं गए हुए थे। जब शारंग ऋषि वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि बहन का विवाह कैलाश पर रहने वाले शिव से कर दिया है, जो के नाम से भी जाना जाता था। तो उनको थोड़ा सा बहुत विस्मयाद हुआ कि बहुत पछतावा हुआ कि मेरे बहन का विवाह भगवान मतलब कि शिव के जो औघर थे उनके उनसे हो गया है। इस से अनुमति के पश्चात बंग ऋषि दर्शन ढेर सारा धन लेकर के काशी की इस नगरी में काशी नगरी में अपनी बहन से मिलने के लिए आए एवं इस स्थान पर पहुंचने के बाद उनको बहुत ढेर सारी थकान महसूस हुई और ये वो यहाँ पर रुक गए। और रुकने के पश्चात जब यहाँ उनको उनकी थोड़ी सी निद्रा आ गई, निद्रा के पश्चात उन्होंने स्वप्न देखा, तो स्वप्न में काशी को स्वर्ण नगर के रूप में देखा, तो इससे उनके मन के अंदर थोड़ा बहुत लज्जा उत्पन्न हुई, जिसके कारण उन्होंने ये सोचा कि मैं इसी स्थान पर पे तप करूँगा। दोस्तों चलते हैं दूसरी छोर की तरफ से, नीचे चलते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं दोस्तों, और आगे की कथा है कि जिसमें उन्होंने प्रण लिया कि अब वो बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे और उसके पश्चात अपनी बहन सती से मिलेंगे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ की तपस्या की और तपस्या करते करते उनके पूरे शरीर में लावे की तरह गोंद निकलने लगे, जिसके पश्चात उन्होंने तपस्या जारी रखा। रंगनाथ की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए एवं माता सती के साथ दर्शन देने के लिए इस स्थान पर आए एवं उनको आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने सारंग ऋषि को ये आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति आपको गोंद चढ़ाएगा उन्हें चर्म रोग से मुक्ति मिलेगी एवं भविष्यकाल में आपको सारंग नाथ के रूप में जाना जाएगा, जिसके रूप में यहाँ पर शिव विराजमान है, जो यहाँ पर पूरे विश्व में केवल एक साथ ऐसे ही जो ये स्थान है जहाँ पर शिव लिंग दो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, एक सारंग ऋषि के रूप में है जो सारंग महादेव के नाम से जाना जाता है, एक काशी विश्वनाथ है जो यहाँ पर विराजमान है। तो दोस्तों चलते हैं अपने घर की ओर और उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती होगी और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।